Sonali Rathi, your physics tutor, and once again welcome back to the world of physics. So friends, हमने previous lecture में Ampere's law का first application देखा था for a solenoid, ठीक है? वहाँ पे हमने solenoid और उसकी वजह से जो magnetic field create होती है, उसका nature कैसे होता है, वो uniform क्यों होती है, ये सब हमने conceptually discuss किया था, okay? और हमने right hand thumb rule देखा था circular conductor के लिए. अब ये जो रूल्स है मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करने के लिए डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर. दिस इज नॉट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. ओके, नॉट इवन अ स्टेटमेंट, नॉट अ रूल इज गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. सो वॉट एवर रूल आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड अप्लीकेशन ऑफ अ एम्पियर्स लॉ, एंड इट इज फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एंड द नेम ऑफ दैट कंडक्टर इज टोरॉइड. ओके, सो सोलेनॉइड के बारे में हमने मैग्नेटिक मटेरियल में भी डिस्कस किया था. सो दैट वॉज अ क्वाइट फैमिलियर टर्म. ओके, नाउ टोरॉइड इज क्वाइट न्यू फॉर अस. सो टोरॉइड क्या है? ओके, अब सोलेनॉइड जो हमारा था वो क्या था कि सबसे पहले तो हमारे पास ये स्ट्रेट वायर थी. ओके, इस स्ट्रेट वायर को हमने क्या किया था, सर्कुलर लूप्स में बेंड किया था, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आए, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था आए, और अब ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना स्ट्रेट वायर से, ये है हमारा स्ट्रेट वायर, ये भी इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. बट हमें अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इस स्ट्रेट वायर को अगर सर्कुलर लूप्स में बेंड करेंगे, यू नो सर्कुलर लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल विच विल क्रिएट देयर मैग्नेटिक फील्ड. सो ईच लूप विल क्रिएट ओन इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड, and the resultant structure we call it as a solenoid. इसे हमने कहा solenoid. But suppose कि solenoid ने जो magnetic field create करी, इससे भी हमारे requirements fulfill नहीं हो रही है, हमें और ज़्यादा magnetic field चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब circular wire को जो हमने wound किया तो हमें solenoid मिला. अब यही solenoid जिस इट्स हैविंग अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. सो जस्ट इमेजिन दैट योर स्प्रिंग, जो पेन में हमारे स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग इज अ सोलेनॉइड. इसने जो मैग्नेटिक फील्ड की, इससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए. ओके, सो अब हम क्या करें, तो क्या करना, इस सोलेनॉइड जो है हैविंग अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट बेंड दैट स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप. ये सोलेनॉइड के जो दो एंड्स है, दिस टू एंड्स, जस्ट ब्रिंग देम क्लोज. ओके, सो एक जो एंडलेस सोलेनॉइड अब तैयार होगा. आई यूज द वर्ड एंडलेस सोलेनॉइड. व्हाई एंडलेस? बिकॉज जो दो एंड्स थे सोलेनॉइड के, वो क्या करना है हमें, उन्हें सोलेनॉइड को बेंड करके वो दोनों एंड को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है. और अब जो रिजल्टेंट सोलेनॉइड बना, इट्स हैविंग नो एंड, इट्स बिकम अ एंडलेस, जिसे हम सर्कल को एंडलेस कहते हैं, राइट? सो ये जो एंडलेस सोलेनॉइड तैयार होगा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टोरॉइड. ओके, अब सर्कुलर लूप्स आर देयर, एंड अगेन एंटायर स्ट्रक्चर इज बेंड इन अ सर्कुलर लूप, राइट? एंड दैट्स वाई द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ टोरॉइड, इट विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू सोलेनॉइड एंड अ स्ट्रेट वायर. ओके, सो डायग्रामेटिकली अगर हम ड्रॉ करें तो यही सोलेनॉइड है हमारा. हमने क्या किया, वी हैव जस्ट बेंड दैट सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ दिस सर्कुलर वायर. सो लाइक दिस we got a donut type structure, and this structure is called as a toroid, and this is the current flowing through this toroid. So this is straight wire, yahi straight wire se solenoid banaya, aur is solenoid ko use karke humne kya banaya, this is called as a toroid. Got it? Jaise ki hamare vehicles mein, vehicles ke jo tires hote hai uske andar ka jo ek tube hota hai, pressurized tube. ओके, जस्ट इमेजिन दैट प्रेशराइज ट्यूब जिसपे वायर वुंड किए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड. सो डेफिनेशन क्या होगी, अ टोरॉइड इज नथिंग बट द सोलेनॉइड, इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, एंड इट इज बेंट इनटू अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट रिजल्टेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड. ओके, सो दिस इज, अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें, सो सी, so we'll start from this point. So we have just bended the solenoid in one circular tube-like structure, and this is called as a toroid. So this is the current flowing through a
fluoride. Okay, so this is all about the fluoride. Now what you have to do, you have to determine the magnetic field created by this conductor, that is toroid. Okay, so this is the center. Ab circular tube like structure form hua hai, so obviously center hoga. Ab this is the actual diagram and this is the cross sectional diagram of a solenoid. This is just the cross section of, sorry, solenoid name toroid. So this is just the cross section of a toroid. Okay, so now we'll proceed. Hame kya karna hai, hame this will act as a radius. This will act as a radius. This will also act as a radius of that toroid. So you have to determine the magnitude of magnetic field at these different points along the this radius of toroid. Okay. So again you have to use the Ampere's law. So we can say according to Ampere's law. What is that? Close integral of B bar dot of dl bar equals to mu 0 ni. Actually it's simply mu not I, but what is n? Because your toroid is having n number of turns, so here again n stands for total number of turns of wire. Okay, so again you can write this equation as B bar dot of dl bar equals to close integral, you can write the scalar product as B dl cos of theta. Let it be equation number 2, and where theta is, we are repeating the same thing again and again. Theta is angle between B bar and dl bar. Okay, so अब हमें क्या करना है, हमें Ampere's law use करना है. So rules follow करने होंगे. सबसे पहला rule है, you have to consider one closed imaginary loop, we call it as a Amperean loop. So इस toroid में we have considered that this is, ये जो middle circle है हमारा, we will consider that this is our closed Amperean loop. So यहाँ पे लिखा है हमने, ये जो हमारा middle circle है, this acts as a closed Amperean loop having a circular shape. And see, this is the direction of tracing of loop. Okay, direction of tracing is very important to determine the direction of this vector dl bar. Okay, अब सोलेनोइड जब हमने स्टडी किया था, हमें क्या करना है, अब ये जो थीटा है, इट इज एंगल बिटवीन बी बार एंड डी एल बार, यू हैव टू डिसाइड दैट एंगल थीटा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड द डेरिवेशन. नाउ सी, जब हमने सोलेनोइड देखा था, वी हैव प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड इज लाइक दिस. दिस वॉज द डिरेक्शन ऑफ बी बार विच इज यूनिफॉर्म अलोंग द एक्सिस, राइट. अब इसी सोलेनोइड को तो हमने बेंड करके क्या फॉर्म किया है, टोरॉइड फॉर्म किया है. सो यही स्ट्रक्चर सिर्फ हमने क्या कर दिया, बेंड करके इसको एक क्लोज ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसे हमने टोरॉइड कहा है. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अलोंग द एक्सिस है. अब ये हो गई सोलेनोइड की एक्सिस. सो सेम क्या रहेगी, एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये है सोलेनोइड की एक्सिस. सो दिस इज नथिंग बट डिरेक्शन ऑफ बी बार, राइट. सो इन योर फिगर यू कैन से दिस इज डिरेक्शन ऑफ बी बार. ओके, नाउ यू हैव टू डिसाइड द डिरेक्शन ऑफ डी एल बार. ये है आपका एम्पेरियन लूप. जस्ट कंसिडर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ दैट एम्पेरियन लूप हैविंग लेंथ डी एल. ओके, सो सपोज आई हैव कंसिडर दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ एम्पेरियन लूप जिसकी लेंथ कितनी है डी एल, बट वो वेक्टर है, हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है. सो डीएल बार की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ योर एम्पेरियन लूप सेम इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल बार. नाउ सी हियर इन फिगर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डीएल बार. सो ये हो गई डीएल बार की डायरेक्शन, और ये हो गई बी बार की डायरेक्शन. बी बार की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, सोलेनोइड से टोरॉइड बना है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है. So this is axis, so this is the direction of B bar. Okay, in exam you draw this figure instead of this figure, because in textbook, in new textbook, this figure is given, this is not given. Okay, so one thing is very clear from the figure, two vectors B bar and dl bar are in a same direction. So we can say from figure, B bar and dl bar are in same direction, means I can say they are parallel to each other.
दैट मीन्स उनके बीच का जो एंगल है थीटा पैरेलल होने के वजह से एंगल हो जाएगा जीरो, और कॉस थीटा मीन्स कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन. सो इक्वेशन टू विल बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट ऑफ डी एल बार इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन फ्रॉम फिगर फ्रॉम डिरेक्शन ऑफ बी बार एंड डी एल बार. लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थ्री. ओके नाउ प्रोसीडिंग अहेड. नाउ हियर नेक्स्ट स्टेप क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट ऑफ डी एल बार इक्वल्स टू बी इज वॉट मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर अलॉन्ग द एक्सिस. सो जस्ट टेक बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ सिंपली डी एल. नाउ डी एल क्या था, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एम्पेरियन लूप. अब आपका ये सर्कुलर एम्पेरियन लूप है, स्मॉल सेगमेंट की लेंथ है डी एल. इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब जितने भी डी एल है सारे डी एल हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं. और इफ वी ऐड ऑल द डी एल्स दैट मीन इफ वी इंटीग्रेट द डी एल व्हाट विल गेट द एंटायर लेंथ ऑफ दिस एम्पेरियन लूप. अब एम्पेरियन लूप का जो शेप है वो है सर्कुलर, और सर्कुलर एम्पेरियन लूप की जो लेंथ होगी दैट इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पेरियन लूप. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा 2πr, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस क्लोज एम्पेरियन लूप. ओके सो आई कैन राइट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट ऑफ डी एल बार इक्वल्स टू बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, दिस विल बी 2πr. वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट क्लोज सर्कुलर एम्पेरियन लूप. ओके सो नाउ लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फोर. ओके सो नाउ सी हियर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर फोर. इन इक्वेशन वन एंड फोर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो यू कैन इक्वेट राइट हैंड साइड. सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशंस विच वन एंड फोर यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. सो जस्ट इक्वेट दिस राइट हैंड साइड. सो दिस इज वॉट बी इन टू 2πr एंड वॉट इज दैट म्यू नॉट एंड आई. अब सोलेनोइड में भी हमने स्मॉल एन डिफाइन किया था, क्या था वो स्मॉल एन, लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ योर टोरॉइड. राइट मीन्स वॉट स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर एम्पेरियन लूप, इट इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज दैट 2πr. ओके सो दिस इज स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ योर क्लोज लूप इज 2πr, नथिंग बट द सर्कमफेरेंस. सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एन इन टू 2πr. ओके नाउ सी इक्वेशन नंबर, लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फाइव. सी इक्वेशन नंबर फाइव, यू हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन एज स्मॉल एन इनटू 2πr. सो इक्वेशन फाइव विल इम्प्लाई, इक्वेशन फाइव विल इम्प्लाई बी इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, इट इज स्मॉल एन इंटू 2πr एंड दिस आई एज इट इज. नाउ यू कैन सी दिस 2πr, दिस 2πr विल गेट कैंसल एंड फाइनली यू विल गेट बी इक्वल्स टू व्हाट इज हियर म्यू नॉट, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज आई. लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सिक्स. सो इक्वेशन सिक्स इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड
created by this current carrying toroid. Okay. Now you can see सोलेनॉइड के लिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन की थी एम्पियर्स लॉ से, उसका एक्सप्रेशन भी इतना ही था और टोरॉइड का भी इतना ही है. मीन्स वॉट? क्योंकि हमें पता है सोलेनॉइड को बेंड करके ही हमने टोरॉइड फॉर्म किया है. दैट्स वाई बोथ विल हैव द सेम फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. एंड इफ यू विल राइट इक्वेशन नंबर 5, देन इक्वेशन 5 विल इम्प्लाई यू वॉन्ट अ मैग्नेटिक फील्ड. सो जस्ट कीप बी इन लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस ब्रिंग दिस 2 pi अराउंड दिस साइड. क्या हो जाएगा? B equals to this mu naught L I as it is upon ये 2 pi r को हम इधर शिफ्ट करते हैं. सो दिस विल बी 2 pi r. ओके. लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7. ओके. नाउ व्हाट डज इक्वेशन 7 इंडिकेट्स? सी, मैंने बोला है कि कोई भी फॉर्मूला तो हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करना ही है, बट हर फॉर्मूले का कुछ तो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. सो सी व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मूला. नाउ यू नो दैट म्यू नॉट अपॉन 2 pi इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टोरॉइड. एक टोरॉइड अगर आपने ले लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रहेंगे. आई इज अ स्टेडी करंट फ्लोइंग, इट विल बी कॉन्स्टेंट. मीन्स ऑल दिस टर्म्स इफ वी कीप म्यू नॉट एंड आई अपॉन 2 pi कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस. मीन्स जितनी रेडियस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जितनी रेडियस कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. इसका मीनिंग क्या है? एज यू विल अप्रोच अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ टोरॉइड, जैसे ही आप, सपोज ये हमने रेडियस ली, इस पॉइंट पर हो गए, एज यू विल गो अवे एट दिस पॉइंट रेडियस विल इंक्रीज, एट्स रेडियस विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, राइट? बट एज यू विल अप्रोच टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस कम होते जाएगी. रेडियस कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगी. मीन्स वॉट? अगर हम सेंटर की बात करें तो इस सेंटर पे रेडियस कितनी होगी? 0. अगर r की वैल्यू 0 पुट की, सो 1 by r मतलब कितनी हो जाएगा? इन्फिनिटी. मतलब एट द सेंटर ऑफ अ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम इन नेचर, एंड if we consider the ideal case then it is infinite. So what is the significance of this formula? As you will move away from the center of toroid, magnetic field will become weaker, its magnitude will be decreases, and as you will approach towards the center, as the radius will go on decreasing, magnetic field will become increased, and at the center as the radius becomes 0, magnetic field will become इनफाइनाइट. बट दिस जीरो एंड इनफाइनाइट आर जस्ट द आइडियल केसेस. सो आपको ध्यान में ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय टोरॉइड. सो हमने एम्पियर्स लॉ देखा, उसके दो अप्लीकेशन देखे, एक था सोलेनॉइड के लिए, एक था टोरॉइड के लिए. दोनों अप्लीकेशन में से एखादा अप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्रिपेयर इट नाइसली. ओके. सो हमने बायोट सेवर्ट लॉ देखा, उसके 3 अप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ इसके 2 अप्लीकेशंस. सो यू हैव टू डू दिस. ओके. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द नेक्स्ट पॉइंट. अंटिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.